ये बहुत अच्छा सवाल है. सबसे पहले इस फिल्म का नाम स्काई पिंक हमने इसीलिए रखा, बहुत जूझे थे हम इस बात से कि इस फिल्म का नाम स्काई पिंक रखें या नहीं रखें. लेकिन इस फिल्म में एक सीन होता है जहाँ पे मेरा किरदार अदिति चौधरी, पहले तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये फिल्म एक असली रियल लाइफ कपल के ऊपर आधारित है, जो ना तो कोई सुपर हीरो हैं ना कोई सुपर एथलीट हैं, असली लोग हैं, रेगुलर लोग हैं, बस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से जाते हैं. ये पूरी फिल्म 25 साल स्पैन करती है, उनकी मुलाकात से, उनकी शादी, उनके बच्चे और उनका रोमांस जो अभी तक चलता है तब तक, और असली ज़िंदगी में भी वो हैं. तो एक ऐसा मौका आता है अदिति की लाइफ में जब वो लंदन में होती है अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए, और उनका बेटा जो 4 साल का है उस टाइम, वो फरहान के कैरेक्टर नीरेन के साथ दिल्ली में है. तो एक दिन वो फ़ोन करता है ईशान, जो रोहित प्ले करते हैं, जब बड़ा हो जाता है वो रोहित बन जाता है. तो वो ईशान फ़ोन करता है अदिति को और बोलता है कि मम्मी मुझे टीचर ने आज बहुत डांटा क्योंकि मैं पेंटिंग क्लास में मैंने आसमान का रंग गुलाबी बना दिया था, लेकिन आसमान तो नीला होता है, वो कह रही है. और अदिति को बहुत बुरा लगा और वो कहती है कि किसी को कभी बोलने मत देना तुम्हारे आसमान का रंग क्या होता है, अपने आसमान को तुम खुद रंगोगे जिस रंग से तुमको रंगना है. एंड आई थिंक वो फिलॉसफी इतनी खूबसूरत है, आजकल हम अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि हमारे अपने एम्बिशंस क्या हैं, जो प्रेशर्स मिलते हैं दूसरे लोगों से, सोसाइटी से, उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं. तो ये फिल्म आपको याद दिलाती है कि अपने अपने अपनी अपने आसमान को किसी और की वजह से मत रंगने देना, एंड इसीलिए हर एक का अपना स्काई होता है. फरहान के साथ मेरी दूसरी फिल्म एज एन एक्टर है, एक्टर के तरीके से, लेकिन मैं फरहान को 2004 से जानती हूँ जब उन्होंने मुझे डॉन दी थी. तब वो मेरे प्रोड्यूसर थे, अब मैं उनकी प्रोड्यूसर हूँ. तो वो एक बहुत अच्छा फुल सर्कल रहा है कि एक तरह से अच्छा लगता है कि ज़िंदगी ऐसे मुकाम पर पहुँची. उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. इस फिल्म में अच्छे कलाकारों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप एक रियल लाइफ फैमिली के ऊपर फिल्म बेस करो. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फरहान, ज़ायरा और रोहित जैसे कलाकार इस फिल्म में आए. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी एक फुल सर्कल होती है. हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ख्याल रखें. ये फिल्म वही दर्शाती है कि जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम वही करें. मैं इसको सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं मानती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ, एंड आई थिंक सबके साथ सबको वही करना चाहिए. आपके पास कैसे आए? मुझे ऑडिशन का कॉल आया. मैं एक्चुअली अपने फैमिली के साथ हॉलीडे पे था जब ही मुझे ये कॉल आया और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी एक फिल्म है आयशा चौधरी के बारे में है और सोनाली बोस बना रही हैं. तो सबसे पहले तो मैंने सोनाली मैम का नाम सुनते हुए बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैंने इनकी फिल्म देखी थी पहले मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, जो मुझे बहुत पसंद आई, मूव्ड मी. एंड द मोमेंट आई हर्ड दैट शी इज़ मेकिंग इट, आई रियली वांटेड टू ऑडिशन फॉर इट. तो ऑडिशन शुरू हुआ और वो प्रोसेस जो था वो काफ़ी लंबा चला, 3 महीने चला वो ऑडिशन. हमने अप्रैल में शुरुआत करी और मुझे पता चला फाइनली जुलाई में. 3 महीने ऑडिशन चला, उसमें 4 राउंड थे, 3 कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ और एक सोनाली मैम के साथ. और उसके बाद फाइनली जाके आई टेल यू दिस इंसिडेंट. सो लुक टेस्ट था, मैंने 1 महीने तक कुछ सुना नहीं था इनसे कि मैं कर रहा हूँ फिल्म या नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेट कर रहा था. फिर सडनली मेरे पास कॉल आया कि आपको लुक टेस्ट के लिए आना है. तो तब तक मैं न्यूज़ में पढ़ चुका था कि प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम है फिल्म में. तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि क्या वो भी होंगे उधर, क्या मैं उनसे मिल पाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा अच्छा फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, एटलीस्ट आई गेट टू मीट देम. देन दे सेड कि नहीं, आप नहीं मिलेंगे उनसे, आप सिर्फ अकेले होंगे. फिर जब मैं लुक टेस्ट के लिए पहुंचा, मैंने कुछ 3-4 घंटे वेट किया. उसके बाद सडनली आया कि चलो चलो हम लेट हो रहे हैं. तो मैं गया अंदर एंड द कैमरा वॉज रोलिंग एंड देयर वॉज अ सेटअप मेड. एंड मुझे जब अंदर लेके गए तो वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम तीनों थे और मुझे कैमरा के सामने डाल दिया इन लोगों ने कि अब आपको फैमिली की तरह बिहेव करना है. और मैं उनसे पहली बार वैसे मिला. फिर कुछ 7-8 घंटे चला लुक टेस्ट, जिसमें डिफरेंट हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम था. उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला कि आप जा सकते हैं और इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मैं फिल्म कर रहा हूँ या नहीं. तो मैंने बोला कि ठीक है और मैं गया सोनाली मैम के पास उनको बाय बोलने के लिए. तब उन्होंने बोला दैट रोहित, आई कैन ऑफिशियली टेल यू नाउ दैट यू आर प्लेइंग माई ईशान चौधरी एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फैमिली. सो दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रेजेडीज हैं हम कैसे ऑलमोस्ट एज अ कॉमेडी, एज एंटरटेनिंग दिखा सके.
कारण क्यों? क्योंकि जैसे अगर अमु के एग्जांपल आप ले, आपने कहा जो जेनोसाइड के बारे में है, लेकिन अगर आप वो फिल्म देखोगे वो बिल्कुल इंगेजिंग और एंटरटेनिंग है, वो सिनेमा है, वो एक एक्सपीरियंस है. सेम मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, देखने से पहले लोग सोचते हैं कि ओहो ये डिसेबिलिटी के बारे में है, सैड होंगे, डिप्रेसिंग होंगे, लेकिन ऑपोजिट है. ये फिल्म भी लोग सोचते हैं कि ट्रेजेडी है क्योंकि आयशा मर जाती. इनफैक्ट शुरुआत में ही हम कहते हैं कि आई एम डेड, वो बिग डील नहीं है. पूरा फिल्म बहुत ही पॉजिटिव, हैप्पी, एंटरटेनिंग, बहुत सारे, मतलब जैसे वो कह रही थी लोग इतने हंस रहे थे, हंसी अगर आप सुनते टोरंटो के ऑडियंस में, उस तरह मेरा कोशिश ऑलवेज है एज अ राइटर डायरेक्टर कि डेथ या जेनोसाइड या डिसेबिलिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स जिससे लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए. तो फिर एज अ फिल्म मेकर हम किस तरह से उसको एंटरटेनिंग और पॉजिटिव इमेजेस में दे सके. वो बहुत ही मूविंग एक्सपीरियंस था क्योंकि एक्चुअली वो जो स्क्रीनिंग था उनके ओपेरा हाउस में है जहाँ 2000 लोग बैठे थे, तो नीचे भी लोग थे और दो टियर्स के बालकनीज थे, और हम खुद फिल्म वो ऑडियंस के साथ पहली बार, हम सब साथ में पहली बार देखा, तो वही ऑलरेडी इमोशनल था. फिर जब फिल्म ख़त्म हुआ और क्रेडिट आया डायरेक्टेड बाय, एक पिंक रंग का स्पॉटलाइट हमारे बालकनी पे आया और हम सब खड़े हो गए, और प्रियंका रो रही थी, फरहान रो रहा था, बहुत ही मूविंग था कि जो रिस्पॉन्स सब खड़े होके. फिर 15 मिनट के बाद रॉनी हमारे प्रोड्यूसर ने कहा हम शायद निकलना चाहिए क्योंकि नहीं तो कोई निकल रहा ही नहीं है ये थिएटर से. तो रियली एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है एक डायरेक्टर को जब फाइनली अपना विजन अपने एक्टर्स के साथ देखते हुए उनको भी इतना पसंद आया. पहली बार फरहान पहली बार देख रहा था और ऑडियंस को भी. हमें उम्मीद है कि इंडिया में भी इस तरह का शायद रिस्पॉन्स मिले ऑडियंस से.